गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ एस के सर फ्रॉम अनरा अकेडमी। आज हम सभी लोग आईपीएससी नामकरण पद्धति का अगला क्लास पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें मैं पिछले दिन द्विबंध और त्रिबंध के बारे में बताया था। तो मैं सबसे पहले द्विबंध और त्रिबंध के बारे में कुछ एक दो उदाहरण और बताऊंगा, इसके बाद अगले नियम की तरफ चलेंगे। तो हम लोग देखेंगे, हमने वहां पर बताया था यदि द्विबंध या क्या त्रिबंध, द्विबंध हो या त्रिबंध हो, यदि द्विबंध दो बार आए तो डाई, द्विबंध तीन बार आए तो ट्राई, द्विबंध चार बार आए तो टेट्रा, द्विबंध पांच बार आए तो पेंटा, इस प्रकार नाम लिखे जाते हैं। जिस प्रकार द्विबंध आया उसी प्रकार तीन बंध, यानी तीन बंध ये दो बार आए तो डाई, तीन बंध ये तीन बार आए तो ट्राई, तीन बंध ये चार बार आए तो टेट्रा, तीन बंध ये पांच बार आए तो पेंटा नाम लिखा जाता है। जरा आप देखेंगे द्विबंध, द्विबंध में क्या जुड़ता है, इन ना, द्विबंध में क्या जुड़ता है, इन, और त्रिबंध में क्या जुड़ता है, आइन ना। द्विबंध में क्या जुड़ता है, इन, और त्रिबंध में जुड़ता है आइन। अब जरा हम लोग देखेंगे, मेरे पास यहाँ पर एक उदाहरण है, इस उदाहरण में हम लोग देखेंगे कि द्विबंध कितनी बार आया है। और सबसे पहले तो हमने कहा आईपीएससी नाम लिखने का रूल है कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करने के बाद इस कार्बन की नंबरिंग की जाती है, अर्थात कार्बन का संख्याकरण किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस कार्बन चयन में सबसे पहला नंबर किधर से दिया जाएगा, जबकि मैंने आपको नियम बताया था कि प्रथम नंबर उधर के कार्बन को दिया जाता है जिधर से द्विबंध त्रिबंध कोई क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक स्थित होता है, उधर के कार्बन को प्रथम नंबर दिया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किधर से द्विबंध सबसे नजदीक है। तो जरा देखें, यहां पहले नंबर पर नहीं है, दूसरे नंबर पर द्विबंध है, वन टू, दूसरे नंबर पर कौन बंध है, द्विबंध। इधर से अगर देखें तो कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर है, तो इधर से नजदीक है अथवा इधर से, तो आप लोग बता सकते हैं किधर से नजदीक है, इधर से ना। तो जिधर से नजदीक है उधर से हम लोग क्या करेंगे, नंबर देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, हमने क्या कर दिया, नंबर तो दे दिया। किस पर नंबर दिया, कार्बन की संख्या का। अब जरा देखना है, सबसे पहले आपको करना क्या है, जिस जिस नंबर पर ना, हमने क्या कहा, जिस जिस नंबर पर द्विबंध आया है उस नंबर को सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से लिख लेते हैं। तो चलिए, इधर से नंबर हुआ तो इधर से देखेंगे, पहले नंबर पर द्विबंध आया इसलिए वन नंबर, कामा, दूसरे नंबर पर द्विबंध नहीं है, तीसरे नंबर पर द्विबंध आया है तो तीन लिखेंगे। हमने क्या कहा, पहले नंबर पर आया तो वन, दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर आया तो थ्री, देखिए पहले पर आया तीसरे पर आया, चौथे पर नहीं है पांचवे पर आया तो फिर क्या, फाइव। हमने क्या कर दिया, बंद कितनी बार है, वन टू थ्री, देखिए जरा तीन बार बंद है, वन टू थ्री, तीन बार कौन सा बंद आया, द्विबंध आया। तो इसके बाद क्या करते हैं, नंबर हमने लिखे वन टू थ्री, आप देखेंगे यहां पर जितनी बार आएगा संख्या उतनी बार लिखी जाएगी। अब ध्यान दें कि वन टू थ्री कितनी बार आया, तीन बार, यहां भी गिने वन टू थ्री, तीन बार आया, तीन बार यदि द्विबंध आए तो नाम क्या लिखा जाता है, ट्राई, तो नाम क्या हो गया, ट्राई ने? नाम होगा यहां ट्राई ने? आप जरा ध्यान से देखिएगा कि यदि द्विबंध त्रिबंध दो बार आए तीन बार आए तो उसके नामकरण किस प्रकार किए जाते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर वन हमने लिखा, थ्री लिखा, फाइव लिखा, और द्विबंध तीन बार आया इसलिए क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे, ट्राई। कुल कार्बन कितने आए, चलिए
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो मेथ इथ प्रो ब्यूट पेंट हिप्स हिप, नाम क्या होगा हिप्ट, ना सात कार्बन का नाम हिप। और द्विबंध में जुड़ता क्या है इन, इसके आगे जोड़ दे नाम इन, हो गया क्या हेप्टीन, 1, 3, 5 ट्राई हेप्टीन, या अथवा इसका और भी नाम लिख सकते हैं 1, 3, 5 क्या होगा हेप्टेन, हेप्टेन ट्राई इन, ऐसे भी नाम लिखा जाता है, लेकिन यह नाम सुटेबल होता है इसलिए हम लोग ज्यादातर इसी नाम को लिखते हैं। अब जरा देखते हैं, इसी प्रकार त्रिबंध आएगा तो यहाँ ट्राई लग जाएगा और इन जहां लग रहा है वहां क्या लगेगा आइन। अब जरा देख लेते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं त्रिबंध का, CH3 C ट्रिपल बंद C C ट्रिपल बंद C C ट्रिपल बंद C सिंगल बंद CH3। अब जरा ध्यान से देखें कि सबकी बैलेंसी पूरा है, बैलेंसी में कार्बन के 4 बंद होने चाहिए, इस कार्बन के 3 बंद इधर है, 1 बंद इधर, 3 सबकी बैलेंसी पूरा है। अब हमें ध्यान ये देना है कि सबसे पहले नंबर किधर से दिया जाएगा। तुम लोग देखिए 1, 2 दूसरे नंबर पर त्रिबंध है, इधर से देखिए 1, 2 दूसरे नंबर पर है, और हमने आपको बताया था यदि द्विबंध त्रिबंध कोई भी क्रियात्मक समूह यदि दोनों तरफ से समान दूरी पर हो तो नंबरिंग चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, अर्थात दोनों तरफ से नंबर दिया जा सकता है। तो अब जरा देखें, नंबर इधर से कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ध्यान ये देना इसी प्रकार के त्रिपुल बंद जिस जिस नंबर पर आया है उस नंबर को हमें लिखना है। त्रिपुल बंद किस पे आया है, 2 नंबर पर, 2 लिखे, 3, 4 नंबर पर आया है, 4 लिखे, 3 पर तो आया नहीं है, 2 वाला ही 3 पर है, 4 पर आया तो 4 लिखे, 5 पर नहीं है, 6 पर आया तो 6 लिखे, कितनी बार आया 1, 2, 3, और यहाँ देखिए 1, 2, 3 कितनी बार आया 3 बार, और त्रिपुल बंद 3 बार आया तो नाम क्या होता है ट्राई, और कुल कार्बन कितने हैं जरा देखिए, कुल कार्बन का नाम बताइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 कार्बन का नाम क्या होता है मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेप्स हेप्ट 8, क्या होगा 8 ना, और 8 हो गया, ये तो कार्बन का नाम 8 हो गया, लेकिन त्रिपुल बंध में जुड़ता क्या है आइन, तो हो जाएगा क्या आक टाइन, नाम क्या हो गया आक टाइन। इस प्रकार आप आईपीएससी नाम आसानी से लिख सकते हैं द्विबंध और त्रिबंध के। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि नियम में हम लोग चलते हैं OH समूह पढ़ेंगे, कौन सा OH जिसे हम लोग क्या कहते हैं हाइड्रॉक्सिल, हाइड्रॉक्सी समूह। चलिए हाइड्रॉक्सी या इसे अल्कोहल समूह कहते हैं, इसको ये देखिए इसको बोलते हैं प्रफिक्स, और सफिक्स क्या जुड़ता है इसका आल, आल ओ एल क्या हो गया आल। जरा आप ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पिछले दिन जो पिछला क्लास पढ़ाया था वहां पर क्रियात्मक समूह का चार्ट दिया था, यदि आपको वो चार्ट नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उस चार्ट को ध्यान से देख लीजिएगा, और बिना उस चार्ट के कभी भी आप आईपीएससी नाम आसानी से नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए अब OH समूह हाइड्रॉक्सी या इस समूह का दूसरा नाम क्या दिया जाता है एल्कोहल समूह है,
एल्कोहल समूह के नाम किस प्रकार लिखे जाते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं, ये देखिए CH3 और सी, चलिए यहाँ CH3 लिख देते हैं और यहाँ OH लिख देते हैं। अब जरा आप देखिएगा कि इस पर नंबर देना है तो कितना कार्बन है, एक, तो इस पर नंबर दे दिए। किस पर नंबर दिया जाता है, केवल कार्बन पर, और एक कार्बन का नाम क्या होता है, मिथ, और सिंगल बंद लगा हुआ, डबल बंद का ये नहीं है, सिंगल बंद है तो इसका नाम क्या होगा, मे। देखिए सिंगल बंद में क्या जुड़ता है, एन, डबल बंद में आइन, ट्रिपल बंद में इन, डबल बंद में इन, ट्रिपल बंद में आइन, ये आपको इस क्रियात्मक समूह के चार्ट में दिया गया है। तो यहां पर सिंगल बंद है तो क्या जुड़ेगा, एन, और एक कार्बन का नाम होता क्या, यदि कार्बन एक हो तो मिथ, कार्बन दो हो तो यथ, तीन हो तो प्रोप, चार हो तो ब्यूट, पांच हो तो पेंट, ना? इसी प्रकार मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, एक्स चलता है। और हमने कहा कार्बन एक है, कार्बन एक है तो नाम क्या होगा, मिथ, और मिथ सिंगल बंद है तो क्या जुड़ेगा, एन, तो हो क्या जाएगा, मेथेन। और जबकि यहां पर क्रियात्मक समूह कौन सा, ओएच, ओएच समूह में जुड़ता क्या है, आल, ये आल कहां जुड़ता है, माइनस ई, इसमें से माइनस ई और प्लस आल, अर्थात मेथेन से माइनस ई हटा देते हैं और आल जोड़ देते हैं, नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। अब पूछा जाए ये ओएच समूह किस नंबर पर जुड़ा है, तो वन नंबर पर जुड़ा है, इसलिए वन मेथेनॉल इसका नाम हो सकता है। चलिए दूसरा उदाहरण, CH3 CH2 और सिंगल बंद OH। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, यहां पर हमने कहा दो कार्बन आ गए तो नंबर किधर से दिया जाए, क्रियात्मक समूह इधर से नजदीक है तो इधर से नंबर दिया जाएगा, 1 2, कितना नंबर हो गया, 1 2, और दो कार्बन का नाम कितना होता है, एथ। अब क्या हो जाएगा, दो कार्बन का नाम एथ, और आप ध्यान से देखेंगे कि दो कार्बन का नाम तो एथ हो गया लेकिन बंद कौन सा है, सिंगल, तो नाम क्या होगा, एथेन, नाम क्या होगा, एथेन। और एथेन में से क्या करना है, वही रूल लगाना है जो ऊपर आप लगाए हैं कि माइनस ई प्लस आर। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है, हमने कहा माइनस ई प्लस आर, और देखेंगे वो यह समूह किस नंबर पर जुड़ा, एक नंबर पर, जिस नंबर पर जुड़ा उसे पहले वन ए थे ने, ई हट गया, ई माइनस ई, ई घट गया और क्या लग गया, आर हो गया, वन ए थे नाल, नाम क्या हो गया, वन ए थे नाल। इसी प्रकार आगे चलते हम लोग देखते हैं उदाहरण आगे की तरफ जो होता है, यहां देखें थ्री नंबर उदाहरण, CH3 CH2 CH2 और OH। अब आपको ध्यान देना है कि अभी भी OH समूह या कोई क्रियात्मक समूह है OH, ये किधर से नजदीक है, इधर से, इधर तो है ही नहीं, इधर देखें 1 2 3 ना, इधर देखें 1 नंबर पर है, तो आप देखेंगे जिधर से नजदीक है उधर से नंबर देंगे, इधर से नजदीक है 1 2 3, और तीन कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोप, नाम क्या होगा, प्रोप, सिंगल बंद है इसलिए एन जुड़ेगा तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, अर्थात सिंगल बंद के कारण इसका नाम मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन चलता है, तो प्रोपेन माइनस ई प्लस आर, हमने कहा माइनस ई करिए और प्लस आर जोड़ दिए, क्यों, क्योंकि OH समूह आया है, OH समूह किस नंबर पर, एक नंबर पर, तो एक यहां लिखते हैं और इसका नाम क्या लिखते हैं, प्रोपेन। अब हम ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ई यहां माइनस कर दिए, जोड़ेंगे क्या, आर, वन प्रोपेनॉल, इसका आईपीसी नाम क्या हो गया, वन प्रोपेनॉल। फोर नंबर पर हम लोग देखते हैं CH3 CH CH3, यहां आप क्या करते हैं, OH जोड़ देते हैं। अब ध्यान ये देना है कि अब नंबर किधर से दिया जाएगा,
ओए समूह दोनों तरफ से क्या बराबर दूरी पर है? देख लें, 1 2 दूसरे नंबर पर, इधर से दूसरे नंबर पर, इधर से देखे 1 2 इधर से भी किस नंबर पर? दूसरे नंबर पर। अर्थात दोनों तरफ से दूरियां क्या है? बराबर है। तो नंबर हम चाहे जिधर से दे सकते हैं। तो चलिए इधर दे लें 1 2 3। अब ध्यान ये देना है कि कुल कार्बन कितने आए हैं? 1 2 3 तीन कार्बन आए। तीन कार्बन का नाम क्या है? प्रोप। और सिंगल बंद है तो नाम क्या होगा? प्रोपेन। अब माइनस ई करना है प्लस आल, यानी माइनस ई प्लस आल, यानी हम लोग सीधे लिख सकते हैं कि प्रो। अब देखिए जरा ओएच समूह किस नंबर पर आया? दूसरे नंबर पर, दो लिख देंगे प्रोपेनॉल। या तो हम लोग ये ऊपर वाला चीज ना लिख कर, ये तो मेरे समझने के लिए है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये नहीं लिखना है, डायरेक्ट टू प्रोपेनॉल, इसका आप ऐसी नाम हो गया। अब आप ध्यान से देखें, एक उदाहरण और मैं आपको दे देता हूं, आप जरा देखिएगा। और एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं 5 नंबर का, CH3CH सिंगल बंद CH और CH3। तो क्या मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, ये जो टॉपिक चल रही है आपको समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और दूसरी चीज, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। कम से कम आपके शेयर करने से आपके दोस्त का भी लाभ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप जान रहे हैं, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 और साथ ही साथ यूपीटेट, सीटेट और यहाँ तक कि कुछ आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्लासेस चलती हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, इस पर आप देखेंगे कि ओएच क्रियात्मक समूह जो है किधर से नजदीक है, जिधर से नजदीक होगा उधर से नंबर देंगे। इधर से देखे 1 2 3 तीसरे नंबर पर है, इधर से देखे 1 2 दूसरे नंबर पर, तो नजदीक किधर से? इधर से नंबर दे 1 2 3 4 नंबर हो गया। अब देखेंगे कि ये क्रियात्मक समूह किस नंबर पर आया है, कौन? ओएच। ओएच किस नंबर पर आया? दूसरे पर। तो 2 कुल कार्बन का नाम, 4 चार का नाम ब्यूट, ब्यूट में एकल बंद है, सिंगल बंद, सिंगल बंद में क्या जुड़ता है? एन। तो नाम क्या होगा? ब्यूटेन। अब ई लिखेंगे नहीं, क्योंकि रूल में माइनस ई है और जोड़ना क्या है? आल। हो जाएगा क्या? ब्यूटेनॉल, 2-ब्यूटेनॉल। इसी प्रकार नाम चलता है मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, इस प्रकार नाम चलता है। तो यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसका मैं 2-4 उदाहरण पुनः आपको बता दूंगा। लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा।